अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इटालियन एम्बेसी में मौजूद हैं और यहाँ पे एफपीटी और पावर जोन ने मिलकर एक इंजन की अनवेलिंग की है। हमारे साथ एसन साहब हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर जोन के, उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ पूछेंगे इस इंजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इवेंट हुआ है आज, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, जो इंजन लॉन्च हुआ है पावर जोन और एफपीटी ने कोलैबोरेशन से जो लॉन्च किया। ये इंजन जी है, इंजन तो ऑलरेडी वी हैव सोल्ड मेनी इंजन ऑफ दिस, बट ये आज हमारी ये सेरेमनी थी कि एफपीटी को जरा प्रॉपरली लॉन्च करके बताया जाए कि किस लेवल की ये कंपनी है, किस किस सेक्टर्स में, किस किस नॉट इवन इन डीजल जनरेटर्स, मैरीन, ऑफ रोड, ऑन रोड, इवन के ईवी में मिनी वैन्स और बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, तो काफ़ी रेंज है। और पूरी एक फैमिली है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्प्रिंकलर्स हैं और आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में जितना भी आपका इक्विपमेंट है उसके साथ जो इंजन ड्रिवन है, तो उसके लिए सारा ये एफपीटी का किधर किधर यूज हो सकता है। तो इसलिए ये कुछ एफपीटी के डायरेक्टर्स भी आए हुए थे, हम ऑनरेबल एम्बेसडर भी थे। तो एम्बेसडर का आइडिया ये था कि जी आप एम्बेसी में करें और इसको यहाँ अनवील करें ताकि एक अच्छा इम्पेक्ट जो है वो इटली और पाकिस्तान का आए। सर, पावर जोन कुछ फर्दर कोलैबोरेशंस का सोच रहा है? जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा रेंज है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, मरीन में, ड्रिलिंग में, सारी, क्या पावर जोन इन चीज़ों में भी एफपीटी के इंजन को लेके आए? जी, हम लोग ई पावर ट्रेन पे काम कर रहे हैं एफपीटी के साथ और जल्द ही इंशाल्लाह हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक मिनी वैन्स वो लॉन्च करेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो, क्योंकि हमने सिर्फ अपना नहीं देखना, हमने फ्यूचर को भी देखना है कि हमारा जिस तरह की हमारी पोल्यूशन हो गई भी है और इंडेक्स लेवल जो है किस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है, तो उस लिहाज से हमें ये भी देखना है कि भाई आगे हमारा भी फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, कि सांस लेना आसान हो। अब आपके सामने है कि फॉग कितनी हो गई, आज से 5-6 साल पहले तो नहीं थी, स्मोक जो है आपकी इतनी ज़्यादा हो गई कि सांस लेना, इंडेक्स लेवल वर्स्ट शहर बन गया लाहौर। तो इसलिए हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, जॉइंट वेंचरली इनके साथ काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस और अर्बन ट्रांसपोर्ट्स में, इवन के हम बीआरटी बसेस के लिए भी हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि इनके साथ किस तरह पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा सर, अभी अभी की जैसे सिचुएशन है, हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एकदम ब्लैंकेट बैन लगा दिया इंपोर्ट्स पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या पावर जोन और एफपीटी कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन स्टार्ट की जाए? जी, आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन लास्ट नाइट विद एफपीटी ऑफिशियल्स। सो हम इस पे सोच रहे हैं कि हमारे कुछ इंजन जो हैं वो हम इसके पैटर्न्स बना के और उसकी सारी डायग्राम्स इनसे मंगवा के, तो एक प्रोटोटाइप पहले बनाएं कि फोर्जिंग किधर से करवाएं और सारा कुछ करें, तो टाइम लगेगा, बट हमने ये स्टेप ले लिया है बाय डिस्कशन और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, अगर हम उस लेवल पे बना लेंगे तो ये लॉन्च कर देंगे और इवन के नॉट फॉर पाकिस्तान वी कैन एक्सपोर्ट दीज टू द अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अभी जैसे आपने बताया कि कुछ अरसे से आप लोग एफपीटी के इंजन पावर जोन वो कर रहा है, उन पे काम, तो कैसा रिस्पॉन्स है और आप फर्दर पोटेंशियल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान मार्केट में? या पोटेंशियल द डेवलपमेंट पाकिस्तान में जरा सी बस स्टेबिलिटी आ जाए, अल्लाह करे जो सारे मिलके पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो हमारे मुल्क में जितना पोटेंशियल है ट्रस्ट मी के आसपास कहीं भी नहीं है, और अभी तो डेवलपमेंट होनी है, स्काई स्क्रिपर्स हमारे मुल्क में है ही नहीं, तो अभी हम वर्टिकल जाना शुरू होंगे तो कितनी डेवलपमेंट होगी, कितना आपको बैकअप पावर चाहिए होगा, तो फ्यूचर तो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह, और ब्राइट ही है इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान का। बाकी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें हमने घबराना नहीं है, हमारा मुल्क है, हमें अल्लाह ने आज़ादी दी है, इसको हम इंजॉय करें, और इसके प्रॉस्पेक्ट के लिए, हम प्रोडक्टिविटी के लिए, नेगेटिविटी हम अपने दिमागों से निकाल देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की भी मदद होगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एसन साहब थे मैनेजिंग डायरेक्टर पावर जोन हमारे साथ। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।